हेलो बच्चों बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 7.4 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, ये कहता है कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट्स द एंगल पी क्यू पी आर। पी एस क्या करती है? बाइसेक्ट करती है एंगल क्यू पी आर को, यानी इस एंगल्स को बाइसेक्ट करती है। ओके, देन हमें क्या प्रूफ करना है कि पी एस आर ये वाला एंगल ग्रेटर देन है किसके? पी एस क्यू के। पी एस क्यू के यानी ये ग्रेटर है इससे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहली चीज क्या है कि आपको इनको नाम देने पड़ेंगे एंगल्स को, क्योंकि काफी सारे एंगल्स इन्वॉल्व हो गए हैं। तो एक एक करके हम नाम देते हैं, इसको नाम 1, इसको 2, इसको 3, इसको यहाँ पे आप 4 ले लीजिए, इसे 5 ले लीजिए, सीक्वेंस में चल लेते हैं, और ये 6। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ही एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है आपके पास कि एंगल वन क्या है हमारे पास, इक्वल टू है एंगल 2। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे पास जो ये बाइसेक्ट कर रही है पी एस किसको? क्यू पी आर को। तो एंगल 1 इसको 2 आ जाएगा। ठीक है जी, हमने लिख लिया। दूसरी चीज क्या गिवन है बच्चों आपको कि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है। ओके, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये दो चीज मिल गई हमें। अब हमें 2 शो क्या करना है, हमें शो करना है कि एंगल पी एस आर क्या है बच्चों? ग्रेटर देन पी एस क्यू, यानी कि पी एस आर क्या है? पी एस आर एंगल 4 हमारे पास क्या है बच्चों? पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू, यानी कि एंगल पी एस क्यू आपके पास एंगल 5। ये चीज है, ठीक है, इसे प्रूफ करना हमें। ओके, अब हम यहां पे क्या लेते हैं, अपना प्रूफ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। हम चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपके पास, जस्ट अ मिनट, हमें 1 और 2 गिवन है इक्वल टू। ओके, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, हमारे पास है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ओके जी, इससे हमें क्या पता चलता है कि पी आर के अपोजिट एंगल कौन सा बच्चों? एंगल 6, वो बड़ा होगा किससे? पी क्यू के अपोजिट एंगल, एंगल 3 से। ओके जी, तो आपके पास देखो ये आप इसको लिख लो इक्वेशन, चलो बाद में नाम डाल लेंगे। आपके पास एक चीज ये आ गई क्या कि एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल पी एस आर में चलते हैं। इन ट्रायंगल पी एस आर, ओके, अगर हम इसमें देखें तो एंगल 5, एंगल जो हमारे पास 5 है, ये वाला एंगल क्या होगा, वो इक्वल टू होगा किसके? एंगल 3 प्लस एंगल 2 के। होगा नहीं होगा? क्यों होगा बच्चों? ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अंदर वाले अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब ये हमारे 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी एस क्यू में चलेंगे। देखो इन ट्रायंगल पी एस क्यू में, ओके, अब यहां पे आप देखोगे तो एंगल 4, ठीक है, एंगल 4 की बात कर रहा हूं मैं, वो किसके इक्वल होगा? 6 प्लस 1 के। सेम ऊपर वाला रीजन होगा हमारे पास, एंगल 6 प्लस 1 के, क्योंकि क्या है एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल है ना पी एस क्यू ट्रायंगल के लिए। तो सेम अबव वाला रीजन लिख देना आप, सेम अबव। ओके जी, एंगल 4 ये आ गया। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, इसको देखोगे तो यहां पे अब एक चीज सोचना, इसको इक्वेशन आप 3 ले लो।
ठीक है, इसे फोर, ये आपके पास इसको वन मान लो, और आपके पास इसको आप टू मान लो, ठीक है, वन टू थ्री फोर। अब देखो ध्यान से, मैं अगर इक्वेशन वन की बात करूं, यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि मेन स्टेप अब आएंगे। इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन जा रहा हूं मैं, सॉरी इक्वेशन वन नहीं थ्री जा रहा हूं मैं, आपको क्या चीज निकाली थी, एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल टू। ओके, अगर मैं टू की जगह वन लिख सकता हूं, बाय इक्वेशन वन लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन वन एंगल फाइव क्या होगा बच्चों, एंगल थ्री प्लस एंगल वन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो मैंने इक्वेशन रखी इसके आगे, इक्वेशन फोर ये रख रहा हूं मैं, एंगल सिक्स प्लस एंगल वन। ओके जी, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। अब मेरे पास ये तो मैंने अभी बनाई है, और ये मेरे पास इक्वेशन फोर से है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, चीज नोट करने वाली है कि आपको एंगल फाइव गिवन है एंगल थ्री प्लस वन से, और एंगल फोर गिवन है सिक्स प्लस वन से। ठीक है जी, एंगल एंगल वन तो बराबर हो गए एक तरीके से। मैंने क्या कहा था कि एंगल सिक्स ग्रेटर देन एंगल थ्री से, कही थी चीज। अगर मैं ये चीज कहता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंगल सिक्स इज ग्रेटर देन एंगल थ्री है मेरे पास, ठीक है, एंगल वन को तो एक साइड रख दो आप, तो यानी अगर ये चीज देखो, एंगल फाइव इक्वल टू आप थ्री प्लस वन बोल रहे हो, एंगल फोर इक्वल टू सिक्स प्लस वन बोल रहे हो, एक सेंस में अगर मेरा एंगल सिक्स बड़ा है थ्री से, ठीक है जी, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरी इक्वेशन जो ये है एंगल फाइव वाली क्या होगी, बड़ी होगी, किससे होगी, बड़ी नहीं सॉरी छोटी होगी, किससे बच्चों, इस वाली से, क्योंकि यहाँ पे क्या एंगल सिक्स वो बड़ा है किससे, यहाँ पे जो एंगल थ्री है उससे, तो ऑटोमेटिकली मेरी इक्वेशन ये जो है एंगल फोर वाली बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कहूंगा, इक्वेशन फाइव, तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड यहाँ पे आप देखिए इसको आप, ये हमारे पास न्यू तो आई नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको ऐसे, तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री हमारे पास है, सॉरी ये टू थी, मैं इक्वेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सॉरी सॉरी, हाँ इक्वेशन टू थ्री एंड फाइव, ठीक है, इक्वेशन टू थ्री एंड फोर, सॉरी इक्वेशन टू थ्री एंड फोर, इन तीन इक्वेशन से हमें क्या चीज मिलती है उसको देखो एक बार ध्यान से दोबारा से, कि इक्वेशन थ्री से मिला हमें एंगल फाइव इक्वल टू थ्री प्लस टू, इक्वेशन वन से हमने इसको कन्वर्ट करके ये कर लिया, ठीक है जी, देन देखो इक्वेशन एंगल फोर इक्वल टू सिक्स प्लस वन था हमारे पास, एंगल फोर इक्वल टू सिक्स प्लस वन किस से, इक्वेशन फोर से, ठीक है, तो मैंने इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर किया अपने हिसाब से, तो मुझे ये मिला कि इक्वेशन टू तो कह रही है कि एंगल सिक्स बड़ा है एंगल थ्री से, अगर एंगल सिक्स बड़ा है एंगल थ्री से, जिसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली इससे, क्यों, क्योंकि एंगल वन को तो अब हम निल मान के चल रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इक्वेशन थ्री इक्वेशन टू और इक्वेशन फोर, इन जब तीनों को आपस में कंपेयर थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो हमें प्रूफ करना था एंगल फोर ग्रेटर है एंगल फाइव से, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मेरे को थोड़ी सी इक्वेशन में थोड़ी सी होगी कि नहीं ध्यान रहा, कोई बात नहीं, इन द एंड सही है कि हमें इक्वेशन टू से कंपेयर करवाना पड़ेगा, कि चेक करवाना पड़ेगा कि हाँ इससे देखा तो हमारे पास ये जो आ रही है इक्वेशंस, इसके हिसाब से तो ये वाली बड़ी हो जाएगी, सीधी सी बात है, तो हमने उसको एंड में क्या लिखा कि हमारे पास एंगल फोर क्या आएगा, एंगल फाइव से बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका, जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को, वो करने के बाद ये एक्सरसाइज खत्म, ठीक है, और ये चैप्टर खत्म। चलिए जल्दी से, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, थैंक यू।